हमारे YouTube लाइफ की सबसे महत्वपूर्ण वीडियो ये होने वाला है, क्योंकि इसमें हम आज आपको बताने जा रहे हैं, आप YouTube पे वीडियो डालते हो उसका नोटिफिकेशन हर मेंबर को नहीं जाता है, ऐसा क्या गलती होता है और इसका निवारण के साथ बताऊंगा। छह पॉइंट हैं जो YouTube एल्गोरिथम काम करता है नोटिफिकेशन के बारे में, ये हर किसी यूट्यूबर को जानना चाहिए। मैं आप सबका दोस्त कृष्ण कुमार, आपका अपना चैनल यूट्यूबर कृष्ण में आप सबका स्वागत करते हैं। इसी रिलेटेड पूरा बताएंगे, पूरा वीडियो देखिएगा, इसका समस्या ही खत्म हो जाएंगे। YouTube पे सबसे एडवांस और सबसे महत्वपूर्ण वीडियो ये हमारा होने वाला है, क्योंकि मैं नोटिफिकेशन के बारे में बताने जा रहा हूं। सबसे पहला जो पॉइंट होते हैं, छह पॉइंट में से जो पहला पॉइंट है वो है आपके या यूजर की सेटिंग। अब ये इसमें क्या आता है ये चीज समझो, यूजर को बताइए, आपके जितने भी सब्सक्राइबर हैं उसको बताइए आपकी नोटिफिकेशन ऑल कर दे। अगर आप ऑल नहीं करते हैं, आपकी चैनल पे जितने भी वीडियो डालते हैं उसकी नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। पहली जो बात है, अगर आपने नोटिफिकेशन ऑल नहीं किया है तो वैसे भी नहीं जाएगा, अगर डाल दिया फिर भी नहीं जा रहा है उसमें पांच पॉइंट में क्या होते हैं वो बताएंगे, लेकिन सबसे पहला यही चीज होते हैं, आपको ऑल करना होगा। ऑल करने से क्या होंगे, जब भी आप वीडियो डालिएगा सबसे पहले आपके पास जाएगा, जब आपके पास वो वीडियो जाएगा तभी तो आप समझ पाओगे नोटिफिकेशन किस तरीके से करता है। और ये जो पांच पॉइंट और बताने जा रहा हूं वो आप पे डिपेंड करता है, जब ऑल होगा तब दूसरा होता है आपकी वीडियो रिलेवेंस क्या है, ये चीज समझो, आप वीडियो किस चीज पे देखते हो ज्यादा, आपकी हिस्ट्री क्या बता रहा है यूट्यूब एल्गोरिथम को। कहने का मतलब ये है, हम एक यूट्यूबर है, हम बनाते हैं व्यू कैसे लाएं, वॉच टाइम कैसे बढ़ाएं, चैनल ग्रो कैसे करें, एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूं, आपको सिर्फ देखना है यूट्यूब चैनल पे वॉच टाइम कैसे पूरा करें। आप ये दो वीडियो नहीं देखते हो, जैसे ही वॉच टाइम वाला आता है आप हर वीडियो देखते हो, तो कुछ दिनों के बाद यूट्यूब क्या करेगा, आपके जितने भी हमारे वॉच टाइम वाला वीडियो है उसी को नोटिफिकेशन भेजेगा और जितने भी वीडियो है वो नहीं डालेगा आप पे। ये चीज हमेशा याद रखिएगा, यूजर जितने इंटरेस्ट है और जो टॉपिक पे इंटरेस्ट है उसी पे वीडियो आएगा नोटिफिकेशन। अगर आप यूजर को बता रहे हैं, यूट्यूब को बता रहे हैं, एल्गोरिथम को बता रहे हैं जो भाई वो हमारे रिलेवेंस के नहीं है, वो हमारे काम का वीडियो नहीं है, उसका नोटिफिकेशन धीरे धीरे आना बंद हो जाएंगे। बहुत सारे मेंबर बोलते हैं भाई हम तो नोटिफिकेशन ऑल करके रखे हैं फिर भी तो आना चाहिए। अरे भाई जब आपको कोई उस वीडियो से मतलब ही नहीं है, बराबर आप देख ही नहीं रहे हो, YouTube क्यों भेजेगा। काम करते हैं आपको समझने में अच्छा होगा, आप कई चीज से फोन पे बताते हो जो भाई हमको जूता खरीदना है, अगले दिन देखते हो YouTube पे और Facebook पे जूता का ऐड आना स्टार्ट करता है, वो कैसे YouTube को पता चला। उसी तरीके से ये एल्गोरिथम काम करता है, आप कौन सी इंटरेस्टेड हो, जिस पे इंटरेस्ट हो वही वीडियो आपको भेजेगा, ये चीज आपको समझना होगा, इस तरीके से आपको करना होगा। अगर इस आप चाहते हैं और वीडियो आए तो भाई नोटिफिकेशन ऑल पे आपको क्लिक करने के साथ साथ जो भी नोटिफिकेशन आ रहे हैं उसको देखना होगा वीडियो, अगर जब आप देखिएगा तब आपकी सब वीडियो आएंगे, ये चीज होगा। नहीं तो बहुत सारे मेंबर को बोल सकते हैं भाई नोटिफिकेशन आएगा तो आप क्लिक कर देना वीडियो, उसके बाद देखो या ना देखो वो कोई बात नहीं है, तो इससे भी आपकी हर वीडियो आएगा। अगला पॉइंट होते हैं आपकी चैनल की पॉपुलरिटी। चैनल की पॉपुलरिटी से क्या होते हैं ये चीज समझिए, जैसे कोई बड़ा यूट्यूबर है अगर वो वीडियो डालता है तो हर किसी को क्या लगता है बड़ा यूट्यूबर है सही बता रहा होगा, उसका पूरा वीडियो देखते हो आप, उसका एंगेजमेंट बहुत हाई हो जाता है क्योंकि आप पूरा वीडियो देखते हो, छोटे यूट्यूबर का नहीं देखते हो। अगर वो सही में भी बता रहा है तभी आपको लगेगा भाई कुछ गलत ही बता रहा होगा, जब खुद की इसकी पॉपुलरिटी नहीं है तो कहां से होगा। यूट्यूब जो है ना पॉपुलरिटी के अनुसार बहुत मेंबर ये चीज करता है, ये चीज हमेशा याद रखिएगा। अगर आपने नोटिफिकेशन के लिए पॉपुलरिटी के लिए ये काम नहीं करते हो तो ये चीज सुधार जाओ, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं, आपको ये काम करना होगा, आपको ये चीज हमेशा याद रखना होगा, जो भाई पॉपुलरिटी आपकी बढ़ानी होगी मेंबर को बताना होगा जो हम बता रहे हैं वो सही हैं। बहुत सारे मेंबर यहाँ पे गलती करते हैं फिर बोलते हैं हमारा हो ही नहीं रहा, हमारा तो कुछ जा ही नहीं रहा, भाई ऐसा नहीं है, आपकी चैनल का एंगेजमेंट बढ़ाना पड़ेगा, उसके लिए आपकी चैनल का पॉपुलरिटी बढ़ाना पड़ेगा, विश्वसनीयता बढ़ाना होगा, ये चीज हमेशा याद रखिएगा। वैसे भी आप भी थिंकिंग कर रहे होंगे, जो भाई मनोज दे आप क्रिएटर जानते होंगे हमारे टैप में, मनोज दे हो, टेक्निकल योगी हो, यूट्यूब वाले बाबा हो, जुनू का टेक हो, ये सब अगर वीडियो डालेगा
भाई क्रिएटर सर्च हो, ये सब अगर वीडियो डालेगा इसका मतलब है वो सही ही बोल रहा होगा। अगर यही जो 1000 भी सब्सक्राइबर नहीं हुआ है वो अगर बताएगा यूट्यूब चैनल ग्रो कैसे हो, आपको सोचोगे अरे भाई ये इसका खुद नहीं हुआ है, अगर इतना जानता तो हो जाता ना अपना खुद का। तो ये थिंकिंग होता है, पॉपुलरिटी बढ़ने से विश्वसनीयता बढ़ता है, उसका एंगेजमेंट बढ़ता है, जिससे नोटिफिकेशन ज्यादा आता है। ये चीज आपको समझना होगा। उसके बाद जो आपका चौथा पॉइंट है वो बहुत बेहतरीन है, वो है वीडियो की क्वालिटी। अगर आपने आज वीडियो की क्वालिटी बहुत अच्छा कर दिया, आपकी क्वालिटी 4K HD में है, कल हो के आपने थोड़ा वीडियो क्वालिटी लो कर दिया, तो भाई जो आपकी हाई वाला है ना उतना नोटिफिकेशन लो वाले पे नहीं जाएंगे। ये चीज हमेशा याद रखिएगा, आपकी हमेशा ये चीज याद रखना होगा, आपकी क्वालिटी अप होना चाहिए ना कि डाउन होना चाहिए। जब आप वीडियो बना रहे हैं, जिस कंसिस्टेंसी के साथ वीडियो डाल रहे हैं उस कंसिस्टेंसी के साथ आपकी वीडियो की क्वालिटी भी बढ़ना चाहिए ना कि घटना चाहिए। अगर घटेगा आपकी नोटिफिकेशन घट जाएगा, ये चीज याद रखिएगा। बहुत सारे मेंबर को देखते होंगे जब आप एडिटिंग सॉफ्टवेयर आप चेंज करते हैं तो आपकी व्यू बहुत कम हो जाएंगे या आपकी जो है चैनल की रीच थोड़ा डाउन होना स्टार्ट हो जाते हैं, ये चीज आप गौर करते होंगे। अगर आप यही पेड वर्जन लेते हैं आप कुछ भी नहीं करोगे फिर भी आपकी व्यू बढ़ जाते हैं, नोटिफिकेशन बढ़ जाते हैं, क्यों? यूट्यूब खुद बोलता है अगर आपकी वीडियो की क्वालिटी अच्छा है इसका मतलब है आपने रिसर्च किया है, आपने अच्छा मेहनत किया है, इसलिए आपकी वीडियो को ज्यादा एंगेज देता है, आपकी वीडियो को ज्यादा पुश करता है, इससे आपकी विश्वसनीयता बढ़ता है और भाई इससे नोटिफिकेशन भी बढ़ता है, ये चीज हमेशा रखिएगा। और सेकेंड लास्ट है आपका पांचवा पॉइंट है, वो है यूजर की एक्टिविटी। आपके जो यूजर हैं वो एक्टिविटी कितना है, आपकी वीडियो कितना देखना चाहता है, यूजर की एक्टिविटी का समझिए। यूट्यूब पे आप कितना एक्टिव होते हो, बहुत सारे को देखते हो एग्जाम्पल के तौर पे, आज वीडियो बनाए हैं आप, आज अपलोड किए हैं, लेकिन 10 दिन के बाद 1 महीने के बाद ही नोटिफिकेशन से आपको व्यू आ रहे हैं। अब सोचिए क्या वो 1 महीने तक जो देखा है क्या उसने यूज नहीं किया है, उसका एक्टिविटी उस टाइप का नहीं था। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, अभी वो शॉर्ट वीडियो देखने में व्यस्त है, आपके चैनल सब्सक्राइब करके रखे हैं लेकिन लॉन्ग वीडियो नहीं देख रहा है, आप लॉन्ग वीडियो बना रहे हो, वो जब लॉन्ग वीडियो देखना स्टार्ट करेगा तब उसको नोटिफिकेशन जाएगा, एल्गोरिथम को बताएगा हाँ भाई ये भी देखना स्टार्ट किया। आप किसकी एक्टिविटी है, आपकी क्या हिस्ट्री है, आप क्या वीडियो देखना चाहते हैं, ये बहुत मायने करते हैं। बहुत सारे मेंबर बोलते हैं भाई गलती कर रहे हो, इस तरीके से नहीं होना चाहिए, ये बहुत मायने रखते हैं। आपके जो व्यूअर हैं सब्सक्राइबर हैं वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, ये चीज जानना जरूरी होता है। और लास्ट में सबसे बड़ा होते हैं अपलोडिंग टाइमिंग का, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपके जब यूजर एक्टिव हैं उस टाइम आप जब डालोगे तो नोटिफिकेशन से ज्यादा व्यू आएंगे, नोटिफिकेशन ज्यादा जाएंगे। आप एग्जाम्पल के तौर पर विश्वसनीयता के लिए आप 10 टाइम एक शॉर्ट अपलोड कर लीजिए और हर में देखिएगा व्यू अगर आएगा, नोटिफिकेशन किसी में कम आएगा किसी में ज्यादा जाएगा। भाई आप ही का चैनल है, उतना ही सब्सक्राइबर है, नोटिफिकेशन ऑल है, लेकिन हर किसी में बराबर क्यों नहीं जाता है, ये चीज आप कभी सोचे हैं? ये चीज आप ध्यान दे के देखिएगा, इस पर बहुत जरूरी चीज है। बहुत सारे मेंबर बोलते हैं भाई ये चीज तो कोई मतलब नहीं है, ये बहुत मतलब की चीज है। आपकी चैनल की अगर सही अपलोडिंग टाइम पता नहीं होता है, आप कितना भी अच्छा कर लो नोटिफिकेशन जाएगा नहीं, आपके वीडियो पे एंगेजमेंट नहीं जाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए सही टाइम पे अपलोड किस तरीके से करते हैं। ये जो 6 फैक्टर हैं, ये 6 फैक्टर आपको बताते हैं आपकी नोटिफिकेशन कितना जाने वाला है कितना नहीं जाएगा। इसमें से क्या क्या गलती आप कर रहे हो ये सुधार करो, और हाँ ये चीज करके आप नोटिफिकेशन भेज सकते हो। होप आप समझ गए होंगे। तो इस वीडियो पर लाइक कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, क्योंकि इतना इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते हैं सबसे पहले आप तक जाए और आप सीख सकते हो किस तरीके से नोटिफिकेशन भेज सकते हैं, किस तरीके से ग्रो कर सकते हो।